रोहतास जिले के एक होटल के सामने ही अचानक ही सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देखते ही देखते लोगों ने हो हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसमें पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस ने कार्रवाई भी की है। दरअसल ये पूरा मामला रोहतास जिले के टिहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नील कोठी मोहल्ले में स्थित होटल के बाहर का है। मोहल्ले वासियों ने जमकर यहाँ पर हंगामा भी किया है। वही मोहल्ले वासियों का आरोप है कि उक्त होटल में अनैतिक कार्य किए जाते हैं, जिसको लेकर प्रतिदिन होटल में बालिक और नाबालिग युवक युवतियां जो हैं आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, जिसका मोहल्ले वासियों के द्वारा निरंतर विरोध भी किया जाता है। इसके साथ ही मोहल्ले वासियों द्वारा होटल संचालक को भी कई बार समझाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी होटल में युवक और युवतियों के आने का सिलसिला जारी था। तो वहीं होटल में कई युवक युवतियों को बाहर निकलते जब मोहल्ले वासियों ने देखा तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद होटल के कर्मियों और मोहल्ले वासियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। फिर मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना डेहरी नगर थाने को दी, जिसके बाद डेहरी नगर थाने की पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मोहल्ले वासियों को समझाने का प्रयास कर रही थी। तभी पुलिस और मोहल्ले वासियों के बीच भी कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को अपने हिरासत में भी लेकर डेहरी थाने ले गए। वहीं होटल संचालक ने भी मोहल्ले वासियों के विरुद्ध में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले में मोहल्ले वासियों के द्वारा भी होटल संचालक पर अनैतिक कार्य कराने का आरोप लगाए हुए हैं और आवेदन भी दिया गया है। इस मामले में मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार शाह ने पूरी जानकारी दी है, वो आप सुने। बहस किया, धक्का मुक्की किया और उन लोगों को भागने में मदद की, इस कारण ये पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया और कानून सम्मत कार्य नहीं किया गया। इसके लिए हम लोगों ने दो FIR किया है, एक होटल मैनेजर के साथ मारपीट के संबंध में और एक पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में। ठीक है, पहले वाले में 3 लोग नामजद हैं, पहले FIR होटल मालिक के साथ में और दूसरे वाले में टोटल 7 लोग। सर कौन है? नाम है इनके विनय कुमार, कुमार अंबुज, परवेज आलम, मोहम्मद कैफ और इधर कौन सा है, बिलाल सईद, जावेद आलम, बशीर अंसारी। सर मोहल्ले वालों ने भी होटल में गलत धंधा करने का आरोप लगाया था, ये पहली बार संज्ञान में आया और इसकी तफ्तीश हम लोग करवाएंगे और अच्छे से करवाएंगे, ताकि अगर कुछ ऐसा गलत घटित हो रहा हो तो वो पकड़ में आओ और कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। सर होटल और संचालक पे कार्रवाई किसी तरह की? होटल के अगेंस्ट में कुछ अभी है नहीं हम लोग के पास, कार्रवाई हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने मुख्यालय DSP सरोज कुमार शाह को सुना, जिन्होंने बताया है कि इस मामले में 2 प्राथमिकी डेहरी नगर थाने में दर्ज की गई है। एक प्राथमिकी होटल संचालक के द्वारा की गई है तो दूसरी पुलिस के द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यानी FIR में कुल 10 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है और न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब इस मामले में देखना होगा कि पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।